Hello guys, in this video I want to talk about two more examples. In the first example, we will be the long position in a put option or we will be the option holder for a put option. And in the second example, we will be the short position in the put option or we will be the option writer for a put option. Now, uh, let's talk about the long position in the put option. Whenever we are the long position in any option, that means we have the choice, we have the option. Now, this is a put option. If this is a put option, that means we have the right to sell at the price mentioned in the contract. So we have a choice. We can either sell at the price mentioned in the contract or we can decide not to sell. If we decide to sell, the other party will be obligated to buy. Up stock price there was 65. Strike price for the put option there 70. That means we have the right to sell it at 70, but we are not obligated to sell it at 70. So we have a choice. We can either sell it at 70 or we can decide not to sell. अप फ्रंट पेमेंट और ऑप्शन राइटर टू सिक्योर दिन ये सेवन तो हमारे पॉकेट से हमेशा जाने ही वाला है अब ये चीज मैं मैंशन कर देता हूँ कि यूरोपियन ऑप्शन है और यूरोपियन ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी तो एक्सपायरी के टाइम पे जो स्पॉट प्राइस चल रहा है मार्केट में उसको देख के हम डिसाइड करेंगे वेदर वी वॉन्ट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट तो सीनारी देख लेते हैं पहले सिनारियो के अंदर स्टॉक प्राइस दिया हुआ है फिफ्टी फाइव स्टॉक प्राइज इज फिफ्टी फाइव एंड द स्ट्राइक प्राइज फॉर द पुट ऑप्शन इज सेवेंटी दैट मीन्स वी हैव द राइट टू सेल इट एट सेवेंटी मार्केट में प्राइज चल रहा है फिफ्टी फाइव तो इफ एनी वन एल्स टू सेल दे वुड गो टू द मार्केट एंड सेल सेल्टी फाइव बट वी हैव द ऑप्शन तो वी विल ऑब्वियसली एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड सेल इट एट तो इफ वी आर सेलिंग एट सेलिंगी वैन द प्राइज इन द मार्केट इज फिफ्टी फाइव दैट मीन वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ फिफ्टीन तो द पे ऑफ फ्रॉम द ऑप्शन इज फिफ्टीन अब प्रीमियम तो हमारे पॉकेट से हमेशा जाने ही वाला है तो प्रीमियम हमारे पॉकेट से चला गया माइनस सेवन इसके लिए नेट प्रॉफिट आ गया फिफ्टीन माइनस सेवन विच इज प्लस एट अब चीज आपको दिमाग में रखनी है कि वेन एवर द स्टॉक प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस वेन एवर द स्टॉक प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस इट मेक्स सेंस टू एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन वाई बिकॉज when the stock price is less than the strike price if you exercise the option you will be selling at a higher price than the price in the market that means you are getting a profit because you are selling at a higher price than the actual price in the market especially whenever the stock price is less than the strike price it makes sense to exercise the put option Up second scenario consider kar hai. second scenario my price in the market has turned out to be 63 at the time of expiry दो स्ट्राइक प्राइस फॉर द पुट ऑप्शन इज 70 दैट मींस वी हैव द चॉइस टू इट एट 70 और नॉट टू सेल प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 63 तो so, अगर हम मार्केट में जाके सेल करेंगे तो वी विल सेल इट फॉर 63 बट वी हैव द ऑप्शन टू इट फॉर 70 तो ऑफ़ ऑफकोर्स हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और सेवेंटी में सेल कर देंगे

ऐसे सोच सकते हैं स्ट्राइक प्राइस फॉर द ऑप्शन तो हमें सेवेंटी अपने में आएंगे. तो 73 रुपीज और ऑप्शन प्राइस है सेवन रुपीज तो वी आर पेइंग सेवन रुपीज तो सेवेंटी हमारे पॉकेट में आ रहे हैं सेवन हमारे पॉकेट से जा रहे है तो सिक्सटी थ्री विल बी द ब्रेक इवन प्राइस अब सिक्सटी थ्री का अगर कम होगा प्राइस तो हमें प्रॉफिट होगा 63 के अगर हमें ज्यादा होगा तो हमें लॉस होगा एंड इट इज वी विल हैव अ ब्रेक इवन अब हम बात करते हैं थर्ड सिनारियो की थर्ड सिनारियो में स्टॉक प्राइस आउट टू प्राइसटी फाइव द स्ट्राइक प्राइस फॉर द पुट ऑप्शन इज सेवेंटी मतलब वी हैव द राइट टू सेल इट एट सेवेंटी मार्केट में प्राइस चल रहा है सिक्सटी फाइव तो अगर हम मार्केट में जाके सेल करेंगे तो सिक्सटी फाइव में सेल करेंगे बट हमारे पास 70, तो ऑप्शन है टू सेल सेल इट इट एट एट तो वी विल अब 70 में हमने सेल कर दिया मार्केट में सेल करते तो सिक्स में सेल करते तो हमारा पे ऑफ आ गया फाइव का वी हैव प्रॉफिट ऑफ प्रीमियम हमारे पॉकेट से जाने ही वाला है, 7 का इसके लिए माइनस सेवन तो नेट प्रॉफिट इस केस के अंदर आ गया फाइव माइनस सेवन विच इज माइनस टू अब आप पूछेंगे कि माइनस टू का नेट प्रॉफिट आ रहा है तो हमने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया ही क्यों अगर हम नहीं एक्सरसाइज करते ऑप्शन को तो भी प्रीमियम हमारे पॉकेट से जाने ही वाला था माइनस सेवन का तो अगर ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करते तो पे ऑफ आ जाता जीरो बिकॉज वी हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड प्रीमियम हो जाता माइनस सेवन तो ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करके नेट प्रॉफिट आ जाता सेवन रुपीज का लॉस हो जाता ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जिसकी वजह से फाइव रुपीज का पे ऑफ आया फ्रॉम द ऑप्शन पोजिशन प्रीमियम माइनस सेवन था ही तो इसके लिए हमारा नेट प्रॉफिट हो गया माइनस टू दैट मीन सिर्फ दो रुपए का लॉस हुआ ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करते तो सात रुपए का लॉस होता ऑप्शन को एक्सरसाइज किया इसकी वजह से सिर्फ दो रुपए का लॉस हुआ इसके लिए इन दिस केस इट मेक्स सेंस टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अब हम लोग ये तो हमें मालूम ही है कि वेनएवर द स्टॉक प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस इट मेक्स सेंस टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इसकी हमने बात की है अब फोर्थ सिनारियो की बात करते हैं फोर्थ सिनारियो में स्टॉक प्राइस चल रहा है सेवेंटी एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन पोजीशन इज आल्सो सेवेंटी मतलब वी हैव द राइट टू सेल इट एट सेवेंटी एंड द प्राइस इन द मार्केट इज आल्सो सेवेंटी मतलब हम मार्केट में जाके सेल करें तो भी हमें सेवेंटी मिलने वाले हैं और अगर हम पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दें तो भी हमें सेवेंटी मिलने वाले हैं तो इस केस में इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर वी एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट बट इन दिस केस वेन एवर द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू द स्पॉट प्राइस वी से दैट वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑप्शन को एक्सरसाइज करते भी तो भी पे ऑफ जीरो ही आने वाला था क्योंकि प्राइस इन द मार्केट भी सेवेंटी है और स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन दैट मीनस द प्राइस एट विच वी कैन सेल इज ऑल्सो सेवेंटी तो पे ऑफ तो इन एनी केस जीरो ही आने वाला है प्रीमियम हमारे पॉकेट से जा चुका है माइनस सेवन का इसके लिए इस केस में नेट प्रॉफिट हो गया माइनस सेवन इस सीनारियों में याद क्या रखना है वेन एवर द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक स्पॉट प्राइस वी विल नॉट एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन अब लास्ट सिनारियो की बात करते हैं लास्ट सिनारियो में स्टॉक प्राइस हो गया है सेवेंटी फाइव

एंड सेवेंटी के ऊपर वेनएवर द स्टॉक प्राइज इज ग्रेटर और इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइज आप देख सकते हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ है इसके लिए जो नेट प्रोफिट है दैट इज जस्ट द लॉस ऑफ द प्रीमियम तो सेवन का प्रीमियम तो हमारे पॉकेट से जाने ही वाला है वेनएवर वी डू नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन तो सारे केसेज में जहाँ प्राइस सेवेंटी है या सेवेंटी से ऊपर है वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन सेवेंटी पे इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर वी एक्सरसाइज दो ऑप्शन और नॉट सेवेंटी के ऊपर तो इट मेक्स नो सेंस टू एक्सरसाइज दो ऑप्शन बिकॉज मार्केट में जाके हम ज्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं अब आप ये भी देख सकते हैं कि सेवेंटी के पहले इन ऑल केसेस बिफोर सेवेंटी वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑप्शन एक्सरसाइज ऑप्शन को क्यों करेंगे बिकॉज वी गेट टू सेल इट एट अ हायर प्राइस देन द प्राइज इन द मार्केट स्पॉट प्राइज इज लेस तो हम मार्केट में जाके सेल करते तो हमें लेस मिलता स्ट्राइक प्राइज इज ग्रेटर इसके लिए भी एक्सरसाइज द ऑप्शन इन ऑल द केसेस वेट द स्पॉट प्राइज इज लेस देन सेवेंटी अब आप ये भी देख सकते हैं कि सिक्सटी थ्री पे देर इज अ क्लियर ब्रेक इवन हमने बात की है सिक्सटी थ्री पे देर इज अ ब्रेक इवन अब की पॉइंट की बात करते हैं पोर्ट ऑप्शन स्पॉट प्राइज इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइज इसकी मैंने अभी जस्ट बात की पोर्ट ऑप्शन विल नॉट बज द स्पॉट प्राइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइज तो इक्वल टू का सिनारियम वेदर बक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस और ग्रेटर देन के केस की तो हमने बात की कि इट मेक्स नो सेंस क्योंकि मार्केट में जाके आप ज्यादा में सेल कर सकते हैं अब पे ऑफ ऑफ द लॉन्ग पुट का फॉर्मूला क्या होता है हमने पे ऑफ निकालना तो सीख लिया है टेबल से अब पे ऑफ ऑफ द लॉन्ग पुट का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो इट इज मैक्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस और जीरो लॉन्ग कॉल के पे ऑफ के फॉर्मूला से कंफ्यूज मत होना लॉन्ग कॉल का पे ऑफ फॉर्मूला है मैक्स ऑफ स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और जीरो लॉन्ग पुट का फॉर्मुला है मैक्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस कॉमा जीरो दोनों में कंफ्यूज मत होना लास्ट पॉइंट है ऑप्शन जीरो सम गेम पॉजिटिव पे ऑफ टू लॉन्ग इज नेगेटिव टू शॉर्ट एंड वाइस वर्सा तो इसी टेबल में अगर आपको मैं बोलूं कि शॉर्ट पुट का टेबल बना दो तो आप प्रीमियम के साइन को रिवर्स कर सकते हैं पे ऑफ के साइन को रिवर्स कर सकते हैं नेट प्रॉफिट के साइन को रिवर्स कर सकते हैं एंड आपको शॉर्ट पुट का टेबल आ जाएगा अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं In the second example, we have taken the short position in a put option or we are the option writer for a put option. I have that whenever we are the short position in any option, that means we have written the option and we have given the option to someone else. That means they have the option. Now, this is a put option, that means we have written the put option and given it to someone else. So they have the right to sell but not the obligation to sell. They have a choice whether they want to sell or not. If they decide to sell, we will be obligated to buy. Up stock price is 65. Strike price for the put option is 70. Malab they have the right to sell it at 70. If they decide to sell it at 70, we will be obligated to buy it at 70. Option price the is 7. ऑप्शन प्राइस इज द अपफ्रंट पेमेंट और द अपफ्रंट प्रीमियम इस केस में वी आर द ऑप्शन राइटर तो ऑप्शन प्राइस हमें रिसीव होगा बिकॉज वी गिव द ऑप्शन टू समन इल्स इसके लिए ऑप्शन प्राइस हमें रिसीव होने वाला है सेवन का ऑप्शन प्राइस हमें एवरी केस में रिसीव होने वाला है बिकॉज दिस इज द प्राइस दैट दे पे टू गेट द ऑप्शन तो इस केस में सेवन तो हमारे पॉकेट में हमेशा आने ही वाला है अब ये मेंशन तो करता ही हूँ मैं हर बार कि दिस इज अ यूरोपियन ऑप्शन दिस कैन ओनली बी एक्साइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी तो एक्सपायरी के टाइम पे जो स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसको देख के दे विल डिसाइड देदर दे वॉन्ट टू एक्सरसाइज दुट ऑप्शन और नॉट देड वेदर दे वॉन्ट टू सेल इट एट सेवेंटी और नॉट एंड इफ देड टू सेल इट एट सेवेंटी वी विल बी ऑब्लीगेटेड टू बाई इट एट सेवेंटी अब स्टॉक प्राइस फर्स्ट केस में हुआ है फिफ्टी फाइव

तो हम लोग सेवेंटी में बाय करे ऐसी चीज जिसका मार्केट में प्राइस है फिफ्टी फाइव तो इस केस में इसके लिए हमें एज ऑप्शन राइटर पे ऑफ होगा माइनस फिफ्टीन का प्रीमियम हमारे पॉकेट में रिसीव होने ही वाला है इसके लिए प्लस सेवन का प्रीमियम हमें आ गया नेट प्रॉफिट इस केस में होता है माइनस एट अब सेकेंड सीनारियो की बात कर लेते हैं सेकेंड सिनारियो में स्टॉक प्राइस टर्न आउट टू बी सिक्सटी थ्री एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस फॉर द पुट ऑप्शन इज दैट मीनस दे हैव द राइट टू सेल इट एट सेवेंटी मार्केट में प्राइस चल रहा है सिक्सटी थ्री तो अगर वो लोग जाके मार्केट में सेल करते तो सिक्सटी थ्री में सेल करते करतेवेंटी right तो वो लोग मार्केट तो में प्राइस चल रहा है 63. तो इसके लिए इस केस में हमें पे ऑफ मिलेगा माइनस सेवन का हमारा लॉस हो रहा है सेवन रुपीज का अब प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में हमेशा आने ही वाला है जो प्लस सेवन का प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ जाएगा इसके लिए इस केस में नेट प्रॉफिट आता है जीरो और सिक्सटी ब्रेक इवन प्राइस जो हमने कैलकुलेट भी किया था और हमने इसकी बात की है अब थर्ड सिनारियो में स्टॉक प्राइस एज टर्न आउट टू बी फाइव स्टॉक प्राइस सिक्सटी फाइव हो गया है स्ट्राइक प्राइस द ऑप्शन पोजिशन इज सेवेंटी तो दे हैव द राइट टू सेल इट एट मार्केट में प्राइस चल रहा है 65. तो अगर मार्केट में वो लोग जाके सेल करेंगे तो सिक्सटी फाइव मिलेगा बट वो लोग के पास ऑप्शन है टू सेल इट एट सेवेंटी तो ऑफकोर्स वो लोग सेवेंटी में सेल करने का और डिसीजन लेंगे अगर वो लोग सेवेंटी में सेल करने का डिसीजन लेते हैं तो वी हैव द तो ऑब्लीगेशन टू बाई इट एट सेवेंटी हम बाय कर रहे हैं सेवेंटी में जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है सिक्सटी फाइव तो हमें इस केस में पे ऑफ हो जाएगा माइनस फाइव का बट प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में रिसीव होने ही वाला है प्लस सेवन का इसके लिए इस केस में नेट प्रॉफिट हो गया प्लस टू का अब फोर्थ केस की बात कर लेते हैं फोर्थ केस में द स्टॉक प्राइस इज टर्ड आउट टू बी बैवेंटी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी एंड द स्ट्राइक प्राइस फॉर द पुट ऑप्शन इज ऑल्सो सेवेंटी मतलब दे हैव द राइट टू सेल इट एट सेवेंटी एंड स्टॉक प्राइस इन द मार्केट इज ऑल्सो सेवेंटी तो अगर वो लोग मार्केट में जाकर सेल करेंगे तो भी सेवेंटी मिलेगा एंड वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करके सेल करेंगे तो भी सेवेंटी मिलेगा तो इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट पे ऑफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो बट इन दिस केस वी सी दैट दे विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन पे ऑफ इन एनी केस वॉज गोइंग टू बी जीरो प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में आ ही गया है एज ऑप्शन राइटर ऑफ प्लस सेवन इसके लिए हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है प्लस सेवन का अब लास्ट सिनारियो की बात करते हैं स्टॉक प्राइस इज आउट टू बी सेवेंटी फाइव एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन इज सेवेंटी मतलब दे हैव द राइट टू सेल इट एट और मार्केट में प्राइस चल रहा है सेवेंटी फाइव तो इफ़ दे गो टू द मार्केट दे कैन सेल इट एट सेवेंटी फाइव एंड इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन दे कैन सेल इट एट सेवेंटी तो वो लोग सस्ते में क्यों सेल करेंगे ऑप्शन को एक्सरसाइज करके बोलो लोग ऑफकोर्स मार्केट में जाके सेवेंटी फाइव में सेल कर देंगे तो इस केस में इट मेक्स नो सेंस फॉर देम टू तो एक्सरसाइज द ऑप्शन इसके लिए भी दे विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन पे ऑफ तो आने नहीं वाला कुछ और प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में आई गया है प्लस सेवन का तो नेट प्रॉफिट आ गया प्लस सेवन का अब ग्राफ देख लेते हैं ग्राफ में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि सेवेंटी एंड सेवेंटी से ऊपर वेनएवर द स्पॉट प्राइज इज सेवेंटी और अबव सेवेंटी it makes no sense for them to exercise the option 70 ke upar to it's very obvious that it makes no sense to exercise the option kyunki wo log spot market mein jaake higher price pe sell kar sakte hai at 70 it makes no difference to them whether they exercise the option or not so they do not exercise the option and in every case where they do not exercise the option payoff to kuch hone hi nahi wala aur premium to hame plus 7 sare scenarios mein mil raha hai iske liye whenever they do not exercise the option which is whenever the spot price is greater than

इसकी भी बात की अब पे ऑफ फ्रॉम शॉर्ट पुट पे ऑफ फ्रॉम लॉन्ग पुट का फॉर्मूला आपको मालूम है मैक्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस कॉमा जीरो मैंने आपको बताया था प्रीमियम का साइन चेंज कर सकते हैं पे ऑफ का साइन चेंज कर सकते हैं नेट प्रॉफिट का साइन चेंज कर सकते हैं तो ये फॉर्मुला में भी अगर आप बस माइनस साइन लगा दो लॉन्ग पुट के फॉर्मुला में तो आपको शॉर्ट पुट का फॉर्मुला आ जाएगा तो इट इज माइनस ऑफ मैक्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस प्राइस कॉमा प्राइसो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं नहीं भी याद रख सकते हैं पे ऑफ तो आपको निकालने आता ही है लास्ट पॉइंट ऑप्शन टू लॉन्ग इज नेगेटिव टू शॉर्ट एंड वाइस वर्सा हमने लॉन्ग पुट का टेबल भी देखा एंड शॉर्ट पुट का टेबल भी देखा आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं उसमें कि नेट प्रॉफिट पॉजिटिव प्रॉफिट टू लॉन्ग इज लॉस टू शॉर्ट तो प्रॉफिट टू लॉन्ग इज लॉस टू शॉर्ट पॉजिटिव पे ऑफ टू लॉन्ग इज नेगेटिव पे ऑफ टू शॉर्ट ये भी आप नोटिस कर सकते हैं एंड प्रीमियम इज पेड बाय द होल्डर एंड इज रिसीव्ड बाय द राइटर